भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोकसभा क्षेत्र की सतनाली मंडी, दादरी, झोजू, कादमा व बाड़ना मंडियों का दौरा किया और इस दौरान किसानों की समस्याएं सुनी व उनके सुझाव भी लिए। किसानों ने पोर्टल की समस्या, कम हो रही खरीद व बाहर के बाजरे की खरीद सहित अनेक समस्याएं सांसद के सामने रखी। सांसद ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा क्षेत्र में ACS TC गुप्ता सहित अनेक अधिकारियों की विशेष बैठक ली गई है और इस बैठक में उन्होंने मंडियों के दौरे किए हैं। मंडी के दौरे के दौरान जो किसानों ने उनके समक्ष समस्याएं रखी हैं वे सभी समस्याएं उन्होंने ACS TC गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के अनुसार सांसद ने कहा कि उनका प्रयास है कि दिवाली तक किसानों का दाना दाना खरीद लिया जाए। वहीं सांसद के साथ बाड़ना मंडी में पहुंचे ACS TC गुप्ता ने कहा कि किसानों की काफी मांगों को जायज मानते हुए सोमवार तक उनका हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टोकन की संख्या भी सोमवार तक बढ़ा दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि दिवाली तक किसानों की पूर्ण फसल खरीद ली जाए। हालांकि अब यह देखना होगा कि ACS TC गुप्ता द्वारा किसानों को जो वायदे किए गए हैं क्या वह दिवाली तक पूरे हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मंडियों में धीमी गति के माध्यम से किसानों की फसल की खरीदारी हो रही है, यदि इसी प्रकार से गति रही तो किसानों के फसल को खरीदने में 4 से 5 महीने तक लग सकते हैं। केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से नोडल अधिकारी हैं माननीय TC गुप्ता जी, सीनियर अधिकारी हैं स्टेट के और इनका अनुभव भी ज़्यादा है क्योंकि लगभग 25 साल पहले इसी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। सारी समस्याओं का इनको भी पता है। तो आज भी जिन जिन मंडियों में गए या 2 दिन पहले हमने जितनी मंडियों में गए उन सभी बातों को लिखकर किसानों के व्यापारियों के बीच में बैठकर सारी बातें हुई हैं। मुझे लगता है इन सारी समस्याओं का समाधान जो मुझे लगा कि दिवाली से पहले पहले इस इलाके का दाना दाना बाजरा और मूँग खरीद लिया जाएगा। कपास की मंडी भी जो अभी तक चालू नहीं हुई थी दादरी में भी और महेंद्रगढ़ ज़िले में भी चालू हो जाएगी। यहाँ इनकी अलग कपास मंडी की जो डिमांड है उसको हम बम्बई जो इनका CMD बैठते हैं CCI के उनसे डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि यहाँ भी कपास का कोई खरीद सेंटर बने। टोकन की माननीय गुप्ता जी ने बड़े विस्तार से बता दिया कि टोकनों की संख्या हर मंडी में बढ़ाई जाएगी आवश्यकता अनुसार और यही आश्वासन दिया है। बल्कि आश्वासन नहीं, हम तो पक्के तौर पर, क्योंकि गुप्ता जी का काम हमने देखा है इस ज़िले में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे विभागों में भी, इन्होंने बिल्कुल पक्का निश्चित कर दिया कि दिवाली से पहले पहले एक एक दाना दाना बाजरा का मैं खरीद के दिखवाऊंगा। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।